अपन बात करने वाले हैं कि अपने कंट्रोल्स पर, न्यू कंट्रोल्स पर फिंगर कैसे सेट करें। कुछ बंदे हैं जिन्होंने नया नया कंट्रोल्स सेट किया है और उन्हें फिंगर सेट करने में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो गाइस, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मेन पॉइंट पे आते हैं कि जैसे मान लो आप लोगों ने कंट्रोल्स, न्यू कंट्रोल्स बना लिया, ठीक है ना। उसमें आपने करना क्या है, तो आपने एक बात ध्यान रखना है, फायरिंग बटन, स्कोप, राइट एंड लेफ्ट पिक एंड जंप एंड क्राउच एंड प्रोन, इतना ही बटन होता है ना, इससे ज़्यादा हमें दिमाग लगाना ही नहीं करना है। जैसे आपने फायर बटन सेट किया, तो आपने जिस फिंगर से फायर बटन को दबाना है उस फिंगर से फायर बटन ही दबाएं। कम से कम एक मिनट तक फायर बटन फायरिंग करने का प्रैक्टिस करें। एक मिनट 60 सेकंड सिर्फ फायरिंग करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फायरिंग करना है। उसके बाद आपने फायर बटन एंड स्कोप बटन एक साथ दबाना है, और इसका प्रैक्टिस कम से कम आपको एक मिनट करना है। उसके बाद आपको फायर बटन, स्कोप एंड राइट साइड वाला पिक बटन तीनों को एक साथ दबाना है, और इन तीनों को एक साथ दबाने का प्रैक्टिस कम से कम आपको एक मिनट करना है। अब आपने फायरिंग बटन और स्कोप बटन एंड लेफ्ट साइड वाला पिक बटन तीनों को एक साथ दबाना है, और इसका प्रैक्टिस भी आपको कम से कम एक मिनट तक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, फायरिंग बटन, स्कोप बटन एंड राइट एंड लेफ्ट पिक को एक साथ चारों बटन को आपको दबाना है, कम से कम एक से दो मिनट दबाना है। उसके बाद आपने फायरिंग बटन एंड प्रॉन बटन को एक साथ दबा। फायरिंग एंड क्राउच, इसका प्रैक्टिस कम से कम आपने एक मिनट करना है। सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, सारे बटन को एक साथ दबाना है। जैसे आप फोर फिंगर खेल रहे हो, तो फोर फिंगर का यूज़ करते हुए सब बटन को एक साथ आपको प्रेस करना है। और सबसे ज़रूरी बात कि आपने जब आपने न्यू कंट्रोल सेट करना है ना, तो आपने अपने सारे कंट्रोल्स को एकदम हाईलाइट कर देना है।